शेख जोई रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान में इस समय मानसून पूरी तरह से मेहरबान हो रहा है। बीते 48 घंटों में राजस्थान के करीब सभी हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में भी बीती देर रात जहां जमकर बादल बरसे तो वहीं आज भी दिन में भारी बारिश का दौर करीब एक घंटे तक चला। भारी बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भरने की शिकायत मिली, तो इस दौरान ड्रेन सिस्टम की पोल भी खुलती हुई नजर आई। शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 50% करने का विरोध कम नहीं हो रहा है। आज राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार महासंघ की ओर से जयपुर शहीद स्मारक पर आंदोलन किया गया। महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा पिछले कुछ समय से लगातार हर जिले में जाकर महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज जयपुर में बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान मनोज मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पुलिस का आरोप है कि मनोज मीणा ने बिना अनुमति के आंदोलन किया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग मनोज मीणा को रिहा करो तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वहीं गिरफ्तारी के दौरान मनोज मीणा बोले, मेरी मौत की जिम्मेदार भजनलाल सरकार होगी। आरजेएस परीक्षा के दौरान जोधपुर में सिख अभ्यर्थी के कृपाण और कड़ा उतारने के मामले में सिख समाज ने आज राज्यपाल के नाम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। एक नूर खल्लास कोच के बैनर तले सिख समाज ने घटना पर आक्रोश जताया और कहा कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है और इसके बावजूद सिख अभ्यर्थियों के साथ अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही है। ज्ञापन में एक नूर खल्लासा कोच ने राज्यपाल से कमेटी गठित कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष मेवाड़ा की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने मनीष मेवाड़ा की गिरफ्तारी पर तंज किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने एक्स हैंडल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मनीष मेवाड़ा का फोटो शेयर कर लिखा, 1.5 करोड़ रुपए का साइबर ठगी के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता मनीष मेवाड़ा गिरफ्तार, पाप खटाखट निकल रहा है राहुल गांधी जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बता दें, इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनटीए पूरी नीट परीक्षा रद्द कर री एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि परीक्षा में ऐसे बड़े स्तर की गड़बड़ी नहीं हुई जिससे 24 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हों। इससे पहले गुरुवार को रीनीट के खिलाफ गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। देश में नीट कैंसिल कराने को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जाम कैंसिल कराने को लेकर याचिकाएं दायर की गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने नीट पीजी एग्जाम के शुक्रवार को नई डेट जारी कर दी है। ये एग्जाम अब 11 अगस्त को ऑनलाइन मोड में 2 शिफ्टों में होगा। पहले ये परीक्षा 23 जून को होनी थी, लेकिन गड़बड़ी की आशंका की वजह से इसे 12 घंटे पहले कैंसिल कर दिया गया। पेपर लीक और कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस अब 11 अगस्त को एग्जाम के 2 घंटे पहले पेपर तैयार करेगा। हाथरस में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे के बाद एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा कि उन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ सब कैसे हुआ। मैंने उन्हें बताया कि चलते समय बाबा ने भक्तों से पूछा है कि मेरे चरणों की धूल लो, जिसके बाद लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़े। वे एक दूसरे से टकरा गए और एक के ऊपर एक गिर गए। जब मेरी माँ घर नहीं आई तो हम उन्हें खोजने गए तो वहाँ कीचड़ से लपटे शव पड़े। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुल गिरने की लगातार सामने आ रही घटना पर बिहार की नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में डबल इंजन का अद्भुत खेल है। एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। 15 दिन में 12 पुलों का गिरना कोई सामान्य घटना नहीं है। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे।